हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन द इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़। आई होप आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे एंड यू आर लाइकिंग देम। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन मॉनसून। इंडिया में क्लाइमेट कैसा होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेटिक पैटर्न को डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी विंड्स हैं, कौन कौन से जेट स्ट्रीम्स हैं, इंडियन मानसून का मैकेनिज़म क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेलिज बट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बार आता है। तो बिफोर वी बिगिन विथ टूडेज लेक्चर, एक दो जो फीडबैक है कुछ स्टूडेंट्स के, कि एक फ्रेंड ने लिखा हुआ है कि ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्स रेट। तो हमने जो क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर था उसमें लैप्स रेट को एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। इनफैक्ट मैंने एक लेक्चर में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बताया था कि लैप्स रेट से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि बारिश होगी तो कितनी देर में बारिश होगी, 1 घंटे, 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन बाद। जो फोरकास्टिंग होती है वो लैप्स रेट के साथ ही होती है। तो मैंने वो पूरा जो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दोबारा से लिखिए, तो हम ट्राई करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से समझा सके। उसके अलावा कुछ फ्रेंड्स का फीडबैक है रिगार्डिंग मेंस। तो एज सच मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मेंस में सिर्फ ये चीज़ है कि क्वेश्चन जो आएंगे दे विल बी मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स क्या होती है। वो आपसे ये पूछेंगे कि इंडिया में सिस्मिक जोन कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं। तो उस बेसिस पे जो है हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। अब वो तभी होगी जब आप इन लेक्चर्स को बार बार देखेंगे, बुक्स को बार बार पढ़ेंगे, प्लस साथ में पुराने पेपर्स उठाइए इंटरनेट पे या फिर कोई भी आपके टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी हो उसमें क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको देखिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आंसर कैसे लिखने हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे बट उनकी एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि ज़्यादातर वेस्टर्न जो हमारे डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, वो हमारे वेस्टर्न एंड पे ही क्यों मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के। तो अब ये जो है सारा कॉन्सेप्ट, अब ऐसा देखा जाए क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं, वो हॉट वाटर को ईस्ट की तरफ ले जाती है तो नीचे से कोल्ड वाटर आ जाता है, तो जब विंड्स ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द लैंड समटाइम्स, तो दे डोंट कैरी मच मॉइस्चर, तो उस कारण से वो डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है और वो बारिश वहाँ पे नहीं होती है वेस्टर्ली विंड्स के कारण। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स व्हाइल राइटिंग द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा एंड नो मैटर हाउ मच वी ट्राई आपको हम इस तरीके से समझा भी नहीं सकते। इसमें आपका एफर्ट लगेगा। तभी मैंने कहा था कि ज्योग्राफी इज़ नॉट समथिंग जो आप एक बार पढ़ लेंगे और आप उसको फिर डायरेक्टली या पेपर में यूज़ कर लेंगे। इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज़ जो है वो कई जगह पर आपकी इस्तेमाल हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार कोशिश करके देखिए। वी विल थिंक ऑफ समथिंग कि हम कुछ कर सकें उसमें आपके लिए, बट सिलेबस बिल्कुल सेम है। जो कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए है वो मेंस के लिए भी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पुराने पेपर्स को देखना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स को देखना स्टार्ट कीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, सो दैट आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगी उस तरीके से कि आपको मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं। तो दिस वर द मेजर फीडबैक्स जो हमें इस लेक्चर्स के पिछले कुछ लेक्चर्स में हमें मिले हैं, जो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आर सीरीज। बहुत थोड़े दिनों में आपका अबाउट 15 लेक्चर्स और मैक्सिमम आपके होंगे और आपकी सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टे फोकस्ड, वीडियोस हर रोज देखिए, बुक्स को साथ साथ पढ़ते रहिए, सो दैट यू डोंट लैग बिहाइंड इन द प्रिपरेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट पैटर्न क्या है, उसको कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, फिर समर और विंटर सीजन में इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड। तो विंड प्रेशर टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंडियन मानसून जो होता है उसकी नेचर कैसी होती है, कि उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो है आज के लेक्चर में देखेंगे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ गो थ्रू देम। दीज आर आर पेड कोर्सेज, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ द questions will surely help you out. So the Indian climate is said to be of monsoon type of climate.
अब कहने को तो यह है कि जो पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जितना भी, यहाँ सब पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट विद इन इंडिया डू यू थिंक कि पूरे इंडिया में सेम टाइप का क्लाइमेट रहता है? हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेदर एंड क्लाइमेट, आई होप आपको पता होगा, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो वेदर इज शॉर्ट टर्म कि एक सीजन जो 2-3 दिन का या आपका पूरे 2 महीने का सीजन आपने देख लिया कि वो गर्मी का सीजन है, दैट इज योर वेदर कि जो इट कैन चेंज ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। आज अभी धूप है, शाम तक बारिश हो जाए तो वेदर चेंज होता रहता है, बट क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न। आपको ये पता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी नॉर्थ इंडिया में दे विल बी कंपेरेटिवली कूलर, फेबररी मार्च विल बी वेरी गुड एटमोसफेयर, बहुत प्रेजेंट एटमोसफेयर होगा। मई ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई ऑनवर्ड्स गर्मी बढ़नी स्टार्ट होगी और फिर सितंबर अक्टूबर में मानसून सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म हमने जो 50-100 साल की जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं उनके बेसिस पे हमने ये पैटर्न डिसाइड किया है। तो क्लाइमेट जो है वो मोर और लेस सेम रहता है, वेदर कैन चेंज एनी टाइम। तो वेदर इज समथिंग विच इज़ वेरिएबल, क्लाइमेट इज समथिंग विच इज स्टैटिक। तो जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए भी डेंजरस है कि हमारा लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। लॉन्ग टर्म पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, तो उसको स्टडी के लिए भी लॉन्ग टर्म चाहिए, और लॉन्ग टर्म चाहिए तब तक तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि जब तक हम पहले के अफेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कोई दूसरा नया अफेक्ट शुरू हो जाए। तो दिस इज हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं हमारे मानसून पे। तो इंडियन पेनिनसुला जो है आपका, इसमें कहते हैं तो इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट डू यू थिंक कि क्या पूरे इंडिया में पूरे साल सेम तरह का क्लाइमेट रहता है? नहीं, आपके जो कोस्टल एरियाज हैं ये, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर सही रहता है। आपका मुंबई है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा। विशाखापट्टनम वगैरह साइड पे आप जाएंगे और कोचिन साइड में आप जाएंगे, आपका केरला में जाएंगे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, एक तरह से सेम रहता है। बट आप सेंट्रल इंडिया में आए, बिहार यूपी यहाँ एरिया में, यहाँ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलती है। गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर रीचेज अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में टेम्परेचर समटाइम्स रीचेज अबाउट 2 डिग्री 3 डिग्री और इवन 0 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलती है। तो विद इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब क्लाइमेट्स विच आर कॉल्ड सब टाइप्स ऑफ मानसून क्लाइमेट। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया उन्होंने कि ये टेम्परेचर यहाँ होता है, वहाँ पे सेम टाइम पे वो टेम्परेचर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, इफ़ दिस इज़ योर इंडियन मैप, दिस इज समवेयर इज आगरा, सेम लैटिट्यूड पे आपका आता है दार्जिलिंग, सेम लैटिट्यूड पे है बट कंडीशंस फिर भी बहुत डिफरेंट होती हैं आगरा और दार्जिलिंग में। इवन गर्मी भी हो, यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जाएगा, यहाँ टेम्परेचर विल बी अराउंड 30 डिग्री क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। तो विद इन द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, एक रीजन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कि क्यों आपके वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा बारिश होती है, लीवर्ड साइड पे आपकी विंडवर्ड साइड पे सॉरी विंडवर्ड साइड पे ज़्यादा बारिश होती है, लीवर्ड साइड आपकी बिल्कुल ड्राई रहती है, तमिलनाडु जो तमिलनाडु का और आपका ईस्टर्न केरला का जो रीजन है वो क्यों है? तो इसमें दो तरह की हम मेजर हमारी क्लासिफिकेशंस होती हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, वो कहाँ लोकेटेड है और उस एरिया का रिलीफ कैसा है, एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, उसका विंड पैटर्न और एयर प्रेशर पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है कि देखिए, अब ये इंडिया है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री नॉर्थ, दिस इज समवेयर योर इक्वेटर। तो जो एरिया जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ गए आपके, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स आ गए, तो जो एरिया थोड़ा इस एरिया में, ये आपके आएंगे थोड़ा सा ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल इन्फ्लुएंस में, ये एरिया आपके आ जाएंगे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के इन्फ्लुएंस में, तो लैटिट्यूड वाइज भी डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स, आपके हिमालयन माउंटेन्स, एक तो क्या होता है कि माउंटेन्स है तो वैसे ही ठंड रहती है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, बर्फ़ गिरती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आपकी कोल्ड विंड्स आती हैं सर्दियों के टाइम पे फ्रॉम द नॉर्थ, साइबेरियन रीजन से, रशिया रीजन से, उनसे हमें बचाती है। तो हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा, अगर हिमालय ना हो तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे फ्रीजिंग पहुँच जाए, बिलो फ्रीजिंग, मच बिलो फ्रीजिंग ड्यूरिंग द विंटर्स, बट हिमालय के कारण है कि वी आर एबल टू लिव
इन अ मच कंड्यूसिव एटमोसफेयर ड्यूरिंग द विंटर्स, सिर्फ हिमालय के कारण वो होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि जो एरियाज वाटर के पास है या फिर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, वहाँ थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम पे गर्मी होती है ना एक्सट्रीम पे सर्दी होती है। बट जैसे जैसे आप ओशन से दूर जाएंगे, आपके एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बढ़ती जाएंगी, सर्दियाँ और ज़्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये हो गया। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये चीज़ आ गई कि सी से जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका जो है एक्सट्रीम्स बढ़ते जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर में आएगा कि आप सी के जितना पास हैं वाटर का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा आपको महसूस होगा। फिर आता है आपका एल्टीट्यूड, वेस्टर्न घाट से जैसे आप वेस्टर्न घाट में आप हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर इज़ लॉट कूलर। राजस्थान में वैसे गर्मी होती है बट माउंट आबू एक हिली एरिया है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा टेम्परेचर होता है। एंड देन वी हैव द रिलीफ, कि वहाँ पे रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, कि जैसे हिमालय के नॉर्दर्न साइड पे नॉर्थ ऑफ हिमालय आपका सनलाइट कम होती है, साउथ ऑफ हिमालय सनलाइट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रिलीफ फीचर्स कैसे हैं उस चीज़ पे आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। देन फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, तो पहली चीज़ इसमें आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सर्फेस पे क्या पैटर्न है, आपने आपको आगे मानसून में पढ़ेंगे कि सर्दियों का टाइम होता है तो विंड इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं नॉर्थ ईस्टर्ली, पर जब गर्मियों का सीजन होता है तो वो इस डायरेक्शन में विंड करती हैं साउथ वेस्टर्ली, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो सर्फेस पे क्या एयर प्रेशर और विंड का पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट। फिर अपर एयर सर्कुलेशन, अब अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है कि अब आप वो मानसून में पढ़ेंगे कि वेस्टर्ली विंड के साथ एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है, ये विंटर सीजन में इंडियन लैंडमास के अंदर एंटर कर जाती है, कि आपकी ये तिब्बतन प्लेटू है इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक इंडिया के अंदर आती है एक इंडिया से ऊपर नॉर्थ में रहती है नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पे इनका ठंडा जो टेम्परेचर है वही अपने साथ लेके आते हैं, कुछ बारिश भी यहाँ पे होती है। बट जब समर आता है तो ये पूरी तरह विड्रॉ कर जाती है, ये पूरा नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है समर में, तिब्बतन प्लेटू के पूरा नॉर्थ में, तो आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अंदर एंटर कर पाता है ईजिली। तो अपर एयर सर्कुलेशन कैसी हो रही है उसका बहुत डिफरेंस पड़ता है। फिर इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग विंटर एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग समर क्रिएट्स रेनफॉल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जब विंटर में आती हैं नॉर्थ इंडिया में तो ये बारिश करती हैं, समर सीजन में आपके जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेज हैं जो इनलैंड आती हैं उनसे बारिश होती है। तो ये मानसून में आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बट ऐसे फैक्टर्स हैं आपके जिनके कारण कि आपका क्लाइमेट जो है वो डिफाइन होता है। सो नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर एंड समर सीजन, कि आपका वेदर जो है विंटर सीजन और समर सीजन में कैसा रहता है। तो जस्ट टू मार्क, दिस इज योर विंटर दिस इज योर समर। पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है, उसके बाद हम इसकी फिर थियरी आगे देखेंगे। तो सबसे पहली बात होती है विंटर सीजन में क्या होता है कि आपका जो सन है इट मूव्स डाउन, इट इज़ समवेयर अबाउट 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होता है सन की जो डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पड़ती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी सी इंसुलेशन कम होती है तो ठंड ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब आपको पता है कि लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है और ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो सरफेस पे आपकी जो विंड है वो इस डायरेक्शन में विंड करती है फ्रॉम हाई टू लो, इस डायरेक्शन में ब्लो करती है। तो पहली चीज़ तो होगी आपकी सरफेस पे क्या आपकी विंड होती है। दूसरी चीज़ आपकी जो आती है वो आती है कि हायर एटमोसफेयर में, एक सरफेस पे एक चीज़ और भी आती है कि जो आपकी, क्योंकि ये साइबेरियन आपका जो लैंडमास है पूरा रशिया साइबेरिया बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये रीजन जो है कंपैरेटिवली इट इज़ से एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो फिर भी बहुत वार्मर है इसके कंपैरिजन में, दिस इज़ कोल्ड दिस इज़ वार्म, एयर यहाँ पे ब्लो करती है। तो हिमालयस कुछ को तो ब्लॉक कर लेता है बट एयर मासेस कुछ फिर भी अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी जो ट्रेड विंड बेल्ट है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे कई बार ये जो आपकी गंगा वैली का रीजन है सारा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मीट करती है। तो आपकी गंगा वैली तक का जो है टेम्परेचर जो है आपकी ये ड्राई नॉर्थ
और नॉर्थ ईस्टर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो हैं इनके अफेक्ट में आ जाता है. तो दिस इज़ दी एयर सर्कुलेशन एट सरफेस लेवल. उसके बाद हम बात करते हैं कि अपर एटमोसफेयर में क्या होता है. ये सिर्फ सरफेस लेवल की बात है कि एक तो विंड पैटर्न इस डायरेक्शन में होता है और एक आपकी जो हायर लैटिट्यूड से जो विंड आती है वो आपको गंगा वैली तक इम्पैक्ट करती है. उसके बाद अपर एटमोसफेयर की हम बात अगर देखें तो आपको पता है कि वेस्टर्ली विंड जो है इस डायरेक्शन में चलती है. दे स्टार्ट फ्रॉम अटलांटिक, मूव अक्रॉस यूरोप, यूरोप से अक्रॉस मूव करते करते वो इंडिया तक, हिमालयाज तक पहुँचती हैं. हिमालयाज पहुँचने के बाद बीच में क्या होता है कि वो अपने साथ जितने भी ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो जनरेट होते हैं, उनको इंडिया में साथ में अपने लेके आती है. तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि अब ये देखिए, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसको, ये आपका हिमालयन लैंड मास है तिब्बतन प्लेटू. यहाँ पे क्या होता है कि एक ब्रांच इसकी यहाँ डिवाइड हो जाती है, एक ब्रांच इसकी इंडिया में आ जाती है. ये इंडिया में आने से क्या होता है कि इसका जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे यहाँ आती है तो अपने साथ यहाँ पे, क्योंकि कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ यहाँ से होकर जाते हैं, तो अपने साथ कुछ मॉइस्चर कैरी करती है और फिर जो उस मॉइस्चर को यहाँ पे शेड करती है. तो ये मॉइस्चर जो है पूरा अक्रॉस और होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक यहाँ पे इसके कारण बारिश होती है. तो दिस इज द विंड पैटर्न एट अपर एटमोसफेयर इन दी विंटर सीजन. उसके बाद हम आते हैं आपके, आपका विंड पैटर्न क्या होता है समर सीजन में. तो समर सीजन में सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपका विंड्स की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है. ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ये पूरी की पूरी नॉर्थ ऑफ हिमालयस माइग्रेट कर जाती है अपर एटमोसफेयर में और एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ब्लो करती है इनटू इंडियन लैंड मास, जो कि इंडियन मॉनसून को सहायता कर पहुंचाती है. उसको हम इंडियन मॉनसून जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है आपकी या ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ये कैसे इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करती है, कैसे बारिश इंडिया में क्रिएट करती है. तो दिस इज़ एन ओवरव्यू कि क्या हमारे जो एयर और प्रेशर, विंड टेम्परेचर और विंड पैटर्न है सरफेस लेवल पे और हायर एटमोसफेयर ट्रोपोस्फेयर लेवल पे क्या उनका पैटर्न रहता है. तो एक बार थोड़ी सी इनकी थ्योरी देख लेते हैं. सरफेस प्रेशर एंड विंड, हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, जो कि हिमालयस के नॉर्थ में हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है. द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू फ्लो ऑफ एयर एट लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ एक हवा आनी शुरू होती है, ठंडी हवा. द सर्फेस विंड ब्लोइंग आउट ऑफ हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास. तो ये एक जो विंड आती है ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास, मैंने एयर मास बताया था आपको कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम, तो ये कॉन्टिनेंटल एयर मास होता है बिल्कुल ड्राई, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता. दीज कॉन्टिनेंट विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ट्रेड विंड जो हमारी ब्लो करती हैं इनके साथ ये कॉन्टैक्ट में आती है. आपकी आ रहा है ड्राई एयर मास आ रहा है या आपकी ट्रेड विंड है तो इनके कॉन्टैक्ट में आती है समवेयर नियर दी गंगा वैली. द पोजिशन ऑफ दिस कॉन्टैक्ट जोन इज नॉट स्टेबल ऑब्वियसली, क्योंकि ये हवा है कहीं पे भी सेम जगह पे जरूरी नहीं है कि मीट करे, ये वेरी कर सकती है. तो ओकेजनली इट मे शिफ्ट इट्स पोजिशन एज फार एस्ट ईस्ट एज द मिडल गंगा वैली. तो ये अपनी मिडल गंगा वैली तक भी अपनी पोजिशन को शिफ्ट कर सकती है. होने को तो ये आपका उत्तराखंड हिमाचल के एरिया में मीट कर जाए, होने को ये गंगा वैली तक भी मूव कर जाए. दैट द होल ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया अप टू मिडल गंगा वैली कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो उसे यह होता है कि हमारा जो ठंडी की कंडीशन है शीतलहर जिसको बोलते हैं वो मिडल गंगा वैली तक भी हमें फील होती है. फिर आपका जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. फिर अपर एयर में क्या होता है, हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ डिफरेंट विंड पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व. All of the western and central Asia remains under the influence of westerly winds along the altitude of 9 to 13 km from west to east. तो ये कह रहा है कि जो आपका जो एशिया है वो पूरा का पूरा westerly winds के इफेक्ट में रहता है at the altitude of 9 to 13 km from west to east. उसे कह रहे these winds blow across the Asian continent at latitudes north of Himalayas roughly parallel to the Tibetan Highlands. तो ये almost Tibetan parallel latitude के तिबेतन हाईलैंड्स और उनके पैरेलल ये ब्लो करती हैं. जब ये तिबेतन प्लेटू से ये टकराती हैं तो दे गेट डिवाइडेड इनटू टू पाथ, वन मूव्स
जो तिब्बतन प्लेटो के नॉर्थ में जाके मूव कर जाती है, एक साउथ में इसकी ब्रांच आ जाती है इंडिया में. तो दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स. तिब्बतन हाईलैंड एक्ट एज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ दिस जेट स्ट्रीम्स. एज अ रिजल्ट द जेट स्ट्रीम गेट्स बायफर्केटेड. बायफर्केटेड मतलब दो हिस्से इसके हो जाते हैं. वन ऑफ इट्स ब्रांचेस ब्लो टू द नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन हाईलैंड्स, वाइल द सदर्न ब्रांच ब्लोज इन ईस्ट वर्ड डायरेक्शन साउथ ऑफ द हिमालयस. तो एक दूसरी जो है, अगर ये आपका इंडिया लैंडमास है या आपका तिब्बतन प्लेटू है, तो एक ब्रांच यहाँ चली जाती है और एक ब्रांच ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में यहाँ ब्लो करनी शुरू कर देती है. एंड देन द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज. मैंने आपको बताया कि जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं ओवर द मेडिटेरेनियन रीजन, ये अपने साथ वेस्टर्नली विंड जो है इनको अपने साथ लेके आती है इंडिया के अंदर. और क्योंकि यहाँ पे पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी रास्ते में आते हैं, तो उनसे वो मॉइस्चर पिक करती हैं और इंडिया में जो है विंटर में बारिश भी होती है. दैट रेन इज़ वेरी गुड फॉर आर रबी क्रॉप्स. जो आपकी जो रबी क्रॉप्स होती है, इसमें खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में गेहूँ की जो खेती होती है, उसमें थोड़ी सी जो बारिश है वो नेसेसरी है फॉर अ गुड क्रॉप, तो उसको हेल्प करती है. तो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज विच एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी. जैसे मैंने बताया मेडिटेरेनियन सी में एंटर करती हैं एंड आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उनको इंडिया में लेके आती है. एंड इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर. हाँ, एक चीज़ इसकी इंडिकेशन है कि नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के टाइम पे रात का टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. तो जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये इंडिकेशन होती है कि जो वेस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट है वो इंडिया में आने वाली है, और उससे फिर बारिश भी प्रिडिक्ट हो सकती है कि इतने आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है. सो दिस इज़ एन इंडिकेशन. तो दिस वॉज अबाउट दी जो हमारी कंडीशंस होती हैं प्रेशर की, टेम्परेचर की, ग्राउंड लेवल पे और हायर एटमोसफेयर लेवल पे विंटर सीजन में, उसका एक मैकेनिज्म है. फिर आता है हम ये पैटर्न पढ़ेंगे हमारा समर सीजन में क्या पैटर्न होता है. तो समर सीजन में आपको पता है कि समर सीजन में आई टी सीजन जो है आपका, क्योंकि सन आपका जो है वो नॉर्थ में मूव करता है, अराउंड 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये सेटल हो जाता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. तो आई टी सीजन भी जो है आपका इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, ये आपका 23 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो है पहुंच जाता है, रफली पैरेलल टू द हिमालयस बिटवीन 20-25 डिग्री नॉर्थ. बाय दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉज फ्रॉम इंडियन रीजन. जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो पूरा इंडिया से विड्रॉ कर जाती है नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. इट इज जनरली बिलीव दैट देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे आपका जो आई टी सी जेट ऊपर की तरफ मूव करता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इंडिया से विड्रॉ हो जाती है पूरी की पूरी. अगर ये ना हो, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया से विड्रॉ ना करे, तो आपका जो मॉनसून है वो डिले हो सकता है. क्योंकि ये हवा अगर इंडिया में ये इस तरह से हवा बह रही है, तो इसका हवा को आने में ये टेम्परेचर इतना, क्योंकि ठंडी हवा होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठंडी हवा होती है तो इतना ज़्यादा ये टेम्परेचर गिरने नहीं देगी. टेम्परेचर गिरने नहीं देगी तो जो टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है बिटवीन ओशियन एंड लैंड ड्यूरिंग द इंडियन समर, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, और आपके इंडियन मॉनसून या तो वीक होगा या डिलेड हो जाएगा. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम गर्मियों के सीजन में इंडिया से विड्रॉ करें. इट इज जनरली बिलीव दैट देर इज अ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू. द आई टी सीजन बींग ए जोन ऑफ लो प्रेशर अट्रैक्ट्स इनफ्लो ऑफ विंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. तो जैसे आई टी सीजन आपका, जैसे आपका अगर ये इंडियन लैंडमास है या आपका आई टी सीजन अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास पे है, तो ये क्योंकि ये लो प्रेशर का जोन होता है, तो अपने अराउंड विंड अट्रैक्ट करता है हर तरफ से. तो जहाँ पे भी आई टी सीजन मूव करता है, क्योंकि फिर ये बारिश हो जाती है, कहीं टेम्परेचर कम हो जाता है, कहीं टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर ये थोड़ा सा मूव करता रहता है. तो जैसे जैसे ये मूव करता है, बारिश वहाँ पे उस एरिया में होती रहती है. तो जैसे भी आपने अपने देखा, आगे हम पढ़ेंगे ब्रेक्स इन इंडियन मानसून. ब्रेक्स इन इंडियन मानसून क्यों होते हैं कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैं वो आई टी सीजन के साथ मूव करते रहते हैं. तो आई टी सीजन जहाँ होता है बारिश वहाँ होती है, दूसरे एरिया में बारिश रुक जाती है, तो इसलिए वहाँ पे ब्रेक्स आ जाते हैं इंडियन मानसून में. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो ये था आपका ग्राउंड लेवल पे. उसके बाद जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर. तो जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन. जेट स्ट्रीम तो जैसे मैंने बताया कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट तो पूरा नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है. फिर इंडिया के अंदर एक ईस्टरली ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट TEJ ये ब्लो करती है. एंड ईस्टरली जेट स्ट्रीम फ्लोज ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून एंड हैज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. इन अगस्त इट इज़ कन्फाइंड टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड सेप्टेम्बर टू लैटिट्यूड इन्फॉर्मेशन है. द ईस्टरली नॉर्मली डू नॉट गो नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री लैटिट्यूड इन द अपर एटमोसफेयर.
तो इस टॉपिकली जेट का जो मैकेनिज्म है, कैसे जनरेट होती है, ये हम इंडियन मॉनसून का जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे पूरा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है इंडियन मॉनसून को फेवर करती है। एंड देन वी हैव ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्योंकि जब ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इंडिया में मूव करती है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन जितने भी ओरिजिनेट होते हैं, सम ऑफ देम मे गेट कन्वर्टेड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कुछ एक जो है ट्रॉपिकल डिप्रेशन से ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको फिर ये इंडियन लैंड मास में लेके आते हैं अपने साथ। ये मौसम के साथ इनकी पोजीशन बदलती रहती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये नॉर्थ में मूव होते हैं, और फिर जैसे जैसे मानसून कम होना स्टार्ट होता है, विड्रॉ होना स्टार्ट होता है, ये साउथ में मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, विच इज़ द नेचर ऑफ इंडियन मानसून। हमारा इंडियन मानसून में होता क्या है, कैसा होता है इंडियन मानसून? तो पहले पहले एक सिंपल सी स्टडीज ये होती थी कि ये इंडियन लैंड मास है, गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर इज़ लो, और यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर इज़ लो, या टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है तो प्रेशर इज़ हाई, तो विंड यहाँ पे ब्लो करती है। और विंटर सीजन में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्रेशर हाई हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर लो हो जाता है, तो विंड इस डायरेक्शन में ब्लो करने स्टार्ट कर देती है। तो ये विंड जो अपने साथ जाती है, पानी लेके जाती है और इंडियन मानसून के में बारिश करती है। तो एक सिंपलिस्टिक एक मॉडल था जो कि लगता था कि इंडियन मानसून का रीज़न है, बट फिर कुछ चीज़ें आने लगी, जैसे कि लगा कि कुछ सीजन बाद, काफ़ी टाइम के बाद मानसून डिलेड है, बारिश कम हुई है, तो उसके क्या रीज़न है, ये वेरिएशंस क्यों हो रही है? क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है, अब नॉर्मल सीजन में 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर सपोज, और एक कम बारिश के टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर कैसे हुआ ये वेरिएशन, कैसे आई? तो इसकी जब और स्टडीज हुई डिटेल में, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, फिर उसमें पता चला कि इट इज़ नॉट जस्ट एट द लोकल लेवल, ग्लोबल लेवल पे जो फिनोमिना होते हैं उनके कारण भी इंडियन मॉनसून जो है इफेक्ट होता है। जैसे कि एल नीनो का कॉन्सेप्ट हम 2-3 लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। तो एल नीनो इज़ समथिंग जो होता एक जगह पे है, बट वो पूरे ग्लोबल सर्कुलेशन को, एयर पैटर्न को इफेक्ट करता है। तो इसलिए है कि इंडियन मॉनसून की स्टडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो जो इंडिया में हो रहा है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज़ द थ्योरी, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। उसके बाद बात है कि इंडियन मानसून के मेन फीचर्स क्या हैं। इंडियन मानसून के 3 मेन फीचर हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून का आना, देन रेन बेयरिंग सिस्टम, तो बारिश कौन कौन से सिस्टम जो है इंडिया में लेके आती है, और उनका रिलेशनशिप क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल वो क्या है, एंड देन द ब्रेक्स इन द मानसून, जब मानसून में ब्रेक आते हैं। तो ऑनसेट ऑफ मानसून में तो सिंपल सी बात यह है कि अब ये देखिए कि दिस इज समवेयर योर इक्वेटर, बट आपका जो ITCZ है इट इज समवेयर हेयर, इस रीजन में, या यहाँ तक भी कई बार ITCZ मूव करता रहता है इस जोन में। तो ITCZ वैसे तो क्या होता है कि अगर ITCZ सपोज यही होता तो हवा ट्रेड विंड्स यहाँ ब्लो करती है, ऐसे यहाँ ब्लो करती है हवा, यहाँ आती, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करती, ऊपर की तरफ मूव करके ये अपना नॉर्मल हेडली सेल को कंप्लीट करती। बट अब क्या हुआ है, क्योंकि आपका ITCZ इट इज़ अराउंड हेयर, तो वैसे तो आपका इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर तो यही है, बट ये हवा अब यहाँ तक ब्लो करती है, और जैसे ही ये इक्वेटर से क्रॉस करके नदर्न हेमिस्फेयर में आती है, ये इनकी डायरेक्शन ये राइट की तरफ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स के कारण, ये इनकी डायरेक्शन जो है ऐसे होते होते ट्रेड विंड्स की ऐसे हो जाती है, और ये इंडियन लैंड मास की तरफ आती है, क्योंकि ये वार्म होती हैं ट्रेड विंड्स, ये यहाँ से सारा मॉइस्चर कैरी करती हैं इस एरिया से, और इंडिया में फिर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो दिस इज़ द ऑनसेट ऑफ द मानसून, बेसिक सा फंडा है ये। अभी जब पूरा डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून पढ़ेंगे, तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है और फिर कैसे इंडियन मानसून पूरा वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सदर्न ऑसिलेशन है, इसके बारे में भी हम जो है एलिनो के टाइम पे पढ़ेंगे, एनसो बोलते हैं एलिनो सदर्न ऑसिलेशन, वो हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम है, NCERT में ही है दोनों डायग्राम, आप वहाँ देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये दिखा रहा है कि कौन से एरिया में मानसून किस डेट को आता है। तो अराउंड 1st of June में इस रीजन में जो है आपका मानसून आ जाता है, देन 5th of June होते होते अराउंड 1st of July
ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर करते हैं। 15th of July तक ये मतलब राजस्थान का जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है, जो बारिश होती है बहुत कम है वहाँ पे, तो मेजरली जो जहाँ बारिश होती है वो 1st of July तक इंडिया को ऑलमोस्ट पूरा वो कवर कर लेता है। तो ये जो लाइन्स हैं जो दिखा रही है कि कौन कौन से रीजन इंडिया में उस डेट तक कवर हो गए। तो दिस इज़ द ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। तो ये थोड़ी सी थियरी है इसकी। ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई वेन द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन वर्टिकली शाइन करता है, तो द लार्ज लैंड मास इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन गेट्स इंटेंसली हीटेड। तो जो हमारा इंडियन लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस कॉज इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस लो प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इस एरिया में इंडिया के। सिंस द प्रेशर इन द इंडियन ओशियन इन साउथ ऑफ द लैंड मास इज हाई एज वाटर गेट्स हीटेड स्लोली, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया, बट क्योंकि वाटर हमारा स्लोली हीटअप होता है तो यहाँ पे कंपेरेटिवली टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर इज हाई, तो एक विंड जो है इस डायरेक्शन में ब्लो करती है। दीज कंडीशन हेल्प इन नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ITCZ। तो ITCZ जो है हमारा नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। द लो प्रेशर सेल अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर्स। तो जो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी जो आपके सदर्न हेमिस्फेयर में ब्लो कर रही थी, ये इक्वेटर क्रॉस होने के बाद ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बन जाती हैं, ये राइट में डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। द साउथ वेस्ट मानसून में दस बी सीन एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। तो जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है इट एक्ट्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये फिर जब इंडियन लैंडमास की तरफ आती हैं तो ये बारिश करती हैं। द विंड क्रॉसिस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है, तो आप मैप पे देख सकते हैं। ये आप देखेंगे दिस इज़ योर 68 डिग्रीज, तो समवेयर, या फिर ये मैप देख सकते हैं हम, दिस इज़ समवेयर योर 40 डिग्री, दिस इज़ समवेयर योर 60 डिग्री। तो ये इस रीजन में जो है क्रॉस करके और ये फिर नॉर्थ में इन नॉर्थ इंडिया में आना स्टार्ट करती है। देन द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ITCZ दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ITCZ नॉर्थ में मूव करता है, तो वेस्टर्ली जेट जो आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो पूरा इंडियन पेनिनसुला से विड्रॉ कर जाती है। इट मूव्स नॉर्थ ऑफ हिमालयस फ्रॉम इट्स पोजिशन ओवर नॉर्थ इंडियन प्लेन साउथ ऑफ द हिमालयस, अपनी पोजिशन को चेंज कर लेती है। द ईस्टर्ली जेट सेट्स इन अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो ईस्टर्ली जेट यहाँ पे इंडिया में 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के आसपास जो है स्टार्ट हो जाती है। ओनली आफ्टर द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हैज़ विड्रॉन इटसेल्फ, जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉ हो जाती है। दोनों एक साथ नहीं होती कि ट्रॉपिकल वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। वो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे जब इंडियन मानसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया। तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसके कारण जो है इंडियन मानसून का बर्स्ट होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि अब ये देखिए ये ईस्टर्ली विंड है, पर ये हायर एटमोसफेयर में होती है, अराउंड 3 to 4 और इवन 8-9 किलोमीटर हायर अप इन द एटमोसफेयर। ये जो विंड है आपकी सब साउथ वेस्ट मानसून है, ये सरफेस पे होती है। तो ये विंड जब हायर, या अगर आपका ये इंडियन लैंड मास है, ये साउथ वेस्ट मानसून की सरफेस विंड्स है सरफेस पे। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, ये अबाउट 6-7 किलोमीटर्स इन हायर इन द एटमोसफेयर। ये जब इसको क्रॉस करती है, ये सबसाइड करती है, यहाँ पे सबसाइड करके ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है और इसको पुश करती है आगे की तरफ। तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की, और जब यहाँ पे आती है वेस्टर्न घाट्स के पास, तो ये एकदम से, आपने जो पढ़ा था ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ी थी, कि एकदम से माउंटेन क्लाइम करती है, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है आपके वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट पे, और एकदम से मानसून का बस्ट होता है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि कुछ mm बारिश होगी, तो एकदम बारिश जो है मौसम एकदम से बदलता है, एक्सट्रीम गर्मी से बहुत ज़्यादा बारिश एकदम से स्टार्ट हो जाती है, लाइक अ ब्लास्ट। इट्स अ बस्ट ऑफ इंडियन मानसून एंड एंट्री ऑफ मानसून इन टू इंडिया। द साउथ वेस्ट मानसून सेट्स ओवर इन केरला बाय 1st of June एंड मूव स्विफ्टली टू रीच मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन 10th and 13th June। तो मैंने बोला है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है आपका इंडियन मानसून एंटर करता है। बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून एंकर्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो मिड जुलाई तक तो पूरा, जैसे मैंने बोला कि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट रह जाता है, वैसे तो 1 जुलाई तक ही मेजर सारा पार्ट कवर हो जाता है,
बट 15 जुलाई तक तो वी आर ऑफिशियली से कि पूरा जो इंडिया है वो कवर हो गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप इसको, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, तो ट्राई टू एनालाइज कि कैसे आपका हवा कौन से पैटर्न पे, जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं जब बारिश आती है तो उसको फील करने की कोशिश कीजिए कि हवा आपकी वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। आपकी जो आजकल मोबाइल में ऐप्स आती हैं, वेदर में ऐप्स आती हैं, उसमें विंड देखिए, वो आपको नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा विंड की। और जब बारिश आ रही है तो विंड थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस होगी, और बारिश नहीं आई तो विंड थोड़ी सी माइल्ड होगी। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली स्टडी करना स्टार्ट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे अभी गर्मियाँ बढ़नी शुरू होंगी, अब मानसून के पास हम पहुँचेंगे, तो आपको सारी डायरेक्शन आपके एरिया में या तो मेजरली आपको या तो ईस्टर्ली डायरेक्शन दिखाई देगी या नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन दिखाई देगी नॉर्थ इंडिया में। तो इन चीज़ों को जितना कोरिलेट कर पाएंगे उतना ही आपको बहुत ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं, केरला में जैसे जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो अभी तक तो कोई ऐसा खास वेदर पैटर्न चेंज होगा नहीं, वही सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ही है जो डे टाइम और नाइट टाइम में ब्लो करती है। पर जब साउथ वेस्ट मानसून का टाइम आएगा तो क्लियरली एक उनको साउथ वेस्ट पैटर्न नज़र आएगा कि जो लोग इस तरफ रह रहे हैं कि सारी हवा इस डायरेक्शन से ब्लो कर रही है, वो क्लियर कट उनको पता चलने लग जाएगा। तो ट्राई टू एनालाइज दीज थिंग्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देन वी कम टू द रेन बेयरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे मेजरली क्या होता है कि सपोज ये आपका इंडियन लैंडमास है, तो ये विंड्स आपकी जो क्रॉस ओवर हुई, तो इंडियन लैंडमास के कारण ये विंड जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पहली विंड विच इज़ कॉल्ड योर अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकेंड इज कॉल्ड योर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो इन दोनों के कारण अलग अलग जो है इफेक्ट आते हैं। पहले जो देखते हैं हम अरेबियन सी विंड क्या होती है, ये भी तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पहली विंड जो आपकी वेस्टर्न घाट्स पे एकदम से टकराती है केरला और सदर्न कर्नाटका, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश एकदम से करनी शुरू कर देती है। सेकेंड जो आपकी विंड है इट मूव्स फर्दर नॉर्थ, और ये आपकी महाराष्ट्र और जो नदर्न कर्नाटका गोवा इस रीजन में जो आपकी बारिश करती है। एंड देन योर थर्ड रीजन इज थर्ड विंड जो आपके, अगर ये आपका इंडियन लैंडमार्क है, गुजरात रीजन में कच्छ काठियावाड़ पेनिनसुला में एंटर करती है। इतने पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले अपना मॉइस्चर शेड कर चुकी होती है, इतनी ज़्यादा ये बारिश नहीं करता, दैट्स वाई इट इज़ अ डेजर्ट, बारिश बहुत मिनिमल होती है। और ये इंडियन पेनिनसुला में जो है गंगा प्लेन्स की तरफ मूव करती है। लेटर ऑन ये विंड जो है आपकी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उससे मीट करती है अलोंग दी गंगा वैली के अलोंग, इसके जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मीट करती है। मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो ये जो तीन आपकी जो ब्रांचेज हो गई जो आपकी हैं अरेबियन सी की ब्रांच की, उसके बाद आपका आता है, आप देखेंगे अगर कि ये आपका है इंडियन लैंडमार्क, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी द मैप इज़ नॉट वेरी गुड बट समझने के लिए, ये आपकी जो है हिमालयन रेंज है जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आती है, ईस्टर्न हिमालयस, और ये आपका फिर नॉर्मल हिमालयस है। जब आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस डायरेक्शन में मूव करी तो ये क्या होता है कि ये यहाँ जाती है, तो ये जो ईस्टर्न हिमालय जो म्यांमार के बॉर्डर के साथ इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे पैरेलल रेंज है, तो ये क्या करती है कि इसको इस तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है टुवर्ड्स द इंडियन लैंडमार्क, इसको म्यांमार की तरफ ज़्यादा जाने नहीं देती। तो बांग्लादेश रीजन में यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है फिर, क्योंकि आपके यहाँ मेघालय प्लेटू है और ये फनल सी शेप बन जाती है। अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो ये जब यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव करती है, ये आपका समवेयर दिस इज योर ईस्टर्न हिमालयस, तो यहाँ पे जो है आपका ये मेघालय प्लेटू है, ये यहाँ पे हवा एकदम से राइज करती है पहाड़ों पे और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो आपका मौसिन राम और चेरापूंजी, जो आपका जो एरिया है, पहले चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश मानते थे पर मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश एक्सट्रीम ऑफ रेनफॉल जो है हमें यहाँ देखने को मिलती है मेघालय प्लेटू में सारे में इसमें। और फिर यहाँ पे जब ये थोड़ा सा और ऊपर पहुँचती है तो ये आपका अरुणाचल हिमालय सिक्किम हिमालय, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड द राइट, इस रीजन में डिफ्लेक्ट होने के बाद ये गंगा वैली के लोग मूव करती है, और जो आपकी जो अरेबियन सी की थर्ड ब्रांच थी
वो गंगा वैली के अलोंग यहाँ मीट करती हैं एंड दे मूव फर्दर नॉर्थ. दिस इज़ दी मेजर रेन बेयरिंग सिस्टम्स इन इंडिया. उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये जो है बची जो इनमें मॉइस्चर होता है वो दिल्ली चंडीगढ़ आपका जो और जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी बर्फ़ होती है उसके कारण से वहाँ जो है थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन आपकी होती है. तो ये दो आपके सिस्टम हो गए अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का. एक चीज़ जो आप इस चीज़ में अगर नोटिस करेंगे वो ये देखेंगे कि ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट, हवा आपकी यहाँ चलेगी, एक एक आपकी हवा यहाँ चलेगी. इस रीजन में पूरे में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि एक तो ये हो गया रेन शेडो ब्रांच में आ गया आपकी, यहाँ पे इस तरफ बारिश बहुत कम होती है. जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये इसके पैरेलल निकल जाती है, यहाँ बारिश वो करती नहीं है. तो इसीलिए जो है साउथ वेस्ट मानसून पॉइंट ऑफ व्यू से तमिलनाडु के फार्मर जो हैं वो इतने वरीड नहीं होते, उन्हें पता है कि पहले से ही यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत एवरेज होती है, कोई ज़्यादा बारिश होती नहीं है. यहाँ पे बारिश होती है फ्रॉम दी अदर फिनोमिना विच इज़ कॉल्ड दी नॉर्थ ईस्ट मानसून. जब सर्दियों में या मानसून जब विड्रॉ करना स्टार्ट करता है हवा इस डायरेक्शन में ब्लो करती है, तो ये हवा जो इधर आती है ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है और फिर वो हवा जो है आपकी इस रीजन में बारिश करती है. जबकि जो तो जो आपका पेनिनसुलर सदर्न पेनिनसुलर रीजन है उसमें मेजर जो बारिश होती है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है. तो इसीलिए अगर ये मानसून अगर फेल हो जाता है यहाँ बारिश नहीं आती तो तमिलनाडु साइड में वहाँ पे जो है क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस वर दी रेन बेयरिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिया. इसको एक बार थोड़ा सा थ्योरी इसकी देख लेते हैं. देर आर टू रेन बेयरिंग सिस्टम. फर्स्ट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल कॉजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. सेकेंड इज अरेबियन सी करंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विच ब्रिंग्स द रेन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो है बारिश करते हैं, बे ऑफ बंगाल आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश करते हैं. मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट इज ओरोग्राफिक. ये वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, पहाड़ है, एयर एकदम से क्लाइम करती है, ठंडी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, उससे जो है फिर वो अपना मॉइस्चर जो है सारा शेड कर देती है. फिर जब वो माउंटेन को क्रॉस करती है लीवर साइड पे, वो माउंटेन से नीचे उतरना स्टार्ट करती है, गर्मी आ जाती है उसमें. जब वो गर्म हो जाती है हवा तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो बारिश नहीं करती है. तो दिस इज़ द रीज़न इस एरिया में बारिश नहीं होती है. द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ हाउएवर रिलेटेड टू टू फैक्टर्स. वेस्ट कोस्ट पे दो फैक्टर्स के कारण आपकी जो है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वेरी करती है. ऑफशोर मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस. कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ही लो प्रेशर सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है तो सारी बारिश समंदर में हो जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स पे कम बारिश होती है. सेकंड इज़ द पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ये हम थोड़ा सा जब इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम होती है जिसको फिंडलेटर जेट भी बोलते हैं, फिंडलेटर जेट, इसको हम जब मानसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इंडिया में इंडियन मानसून में. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. उसके बाद हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात कर रहे हैं, वो अपने साथ ट्रॉपिकल डिप्रेशन को भी इंडिया में लेके आती है. बट ये कितनी ओरिजिनेट हो रही है ट्रॉपिक डिप्रेशन है, लो प्रेशर एरिया है, कितने जनरेट होंगे कितने नहीं होंगे, इट डिपेंड्स ऑन ईयर टू ईयर. देयर पाथ ओवर इंडिया मेनली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ITCZ, क्योंकि अभी हम मूव करते हैं. ITCZ इज़ अ लो प्रेशर एरिया, तो सारी हवा जो है इस तरफ अट्रैक्ट होती है. तो आपके जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, वो भी ITCZ की तरफ मूव करते हैं. तो इसको मानसून ट्रफ भी बोलते हैं ITCZ को. एज द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ ऑसिलेट्स, क्योंकि ये मानसून ट्रफ जो है ऑसिलेट करता रहता है क्योंकि टेम्परेचर जगह जगह वेरी करता है बारिश होने के बाद. तो कभी नॉर्थ मूव करता है 50 डिग्री नॉर्थ तक, कभी ये थोड़ा सा नीचे 27, 28, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक भी पहुंच जाता है. देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द ट्रैक एंड डायरेक्शन ऑफ दिस डिप्रेशन. तो वो डिप्रेशन उसके साथ साथ मूव करते रहते हैं. एंड द इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी करती रहती है. तो बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा. द रेन विच कम्स इन स्पेल्स डिस्प्ले अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट. तो अब एक इसमें ये बात कह रहा है कि रेन एक तो स्पेल्स में आती है, तो अगर आपकी वेस्ट कोस्ट है तो एज यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये बारिश घटती है. यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि ये लीवर साइड है तो यहाँ बारिश कम होती है. और हम अगर ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बारिश आपकी घटती रहती है. तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ आपकी बारिश ज़्यादा होती है इस रीजन में, और यहाँ पे जैसे जैसे हम अंदर मूव करते हैं बारिश की अमाउंट जो है कम होती रहती है. ये हम सारे जो डायग्राम्स हैं बारिश का पैटर्न जो है सारा हम वो
इंडियन मॉनसून वाला जो हम डिटेल पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि पैटर्न कैसे फिक्स होता है. सो दिस इज योर रेन बेयरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. बताता था ब्रेक्स ऑफ ब्रेक्स इन द इंडियन मानसून. जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर आपका इंडियन मानसून है तो ब्रेक इन द मानसून कहते हैं कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है बारिश लेके आते हैं मेनली, ट्रॉपिकल डिप्रेशन जनरेट ना हो क्योंकि ये मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ट्रॉपिकल डिप्रेशन जनरेट ना हो तो बारिश नहीं आएगी. फिर क्या होता है कि ITCZ है आपका या मानसून ट्रफ जिसको बोलते हैं, ये अभी यहाँ पे है तो बारिश यहाँ होगी. फिर कल को ये यहाँ मूव कर गया तो बारिश यहाँ होने लग गई, यहाँ बारिश रुक गई, तो 5-6 दिन का जो है गैप पड़ जाता है. तो उसको कहते हैं ब्रेक्स इन इंडियन मानसून. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मानसून में बारिश कभी भी कंटिन्यूस 2 महीना नहीं होती या 1 महीना नहीं होती, थोड़ी थोड़ी भी है. ऐसे 5-6 दिन बिल्कुल ऐसा होगा कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हाई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई, पर बारिश नहीं होती. गर्मी बहुत ज़्यादा एनर्वेटिंग एटमोसफेयर हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रेक इन द मानसून. 5-6 दिन तक बारिश ना होना, बिल्कुल ड्राई स्पेल होता है वो. तो ये इसलिए भी हो सकता है कि अगर सपोज़ ये वेस्टर्न घाट का रीजन है और ये हवा इसके अलोंग पैरेलल चली जाए किसी भी रीज़न से, तो इस कारण से भी कई बार ब्रेक जो है आ सकता है. तो दिस वॉज अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन मानसून. तो अभी हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेके चलेंगे क्योंकि अगर एक एक बार में ही सारा लेक्चर अगर हो जाए डिलीवर तो बहुत ज़्यादा फिर उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. तो आज का लेक्चर ध्यान से देखिएगा और साथ साथ जो है NCERT को पढ़िएगा, एक बार दो बार उसको पढ़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए ढंग से. एंड देन वील स्टडी द फर्दर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस इन केस यू हैव एनी डाउट्स. थैंक यू सो मच.